हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर सेफ एट योर होम. ओके, देन दिस इज़ आवर नेक्स्ट पोयम, द एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग. दिस इज़ रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ. एक्चुअली दिस इज़ अ सटायर ऑफ आर सोसाइटी. सटायर का मतलब होता है एक व्यंग्य. समाज के ऊपर कवि के द्वारा किया गया एक व्यंग्य, यानी कि एक मजाक. तो मैं आपको टाइटल बता देती हूँ. बिकॉज एलिजी का मतलब होता है एक शोक गीत. यहाँ पर ऑन द डेथ, किसकी डेथ पर? ऑफ ए मैड डॉग, एक पागल कुत्ते के ऊपर लिखा गया एक शोक गीत. अब हम किसके ऊपर शोक करते हैं या हम किसके ऊपर दुख व्यक्त करते हैं? जिसे हम बहुत अच्छी तरह जानते हों, जो हमारा प्यारा हो या जिसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हों. तो दिस इज़ वेरी अनयूजअल टाइटल आई थिंक, और आप लोगों को भी थोड़ा सा ये अनयूजअल लगा होगा, अजीब सा लगा होगा. बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे, मुझे आई एम श्योर कि आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगेगी. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एलिजी. एन एलिजी इज़ अ पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, सोरो एट द डेथ ऑफ ए वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड पर्सन. एलिजी एक पोइट के द्वारा, एक पोइट का ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें ग्रीफ और सोरो होता है, यानी कि एक दुख व्यक्त किया जाता है जिसको वो बहुत अच्छी तरह जानता है या जो एक रेस्पेक्टेड पर्सन होता है, तब पोयम एक एलिजी यानी कि एक शोक गीत को लिखता है. और यहाँ पर पोइट ने किसी रेस्पेक्टेड पर्सन या किसी वेल नोन पर्सन के बारे में एलिजी नहीं लिखी है, बल्कि एक पागल कुत्ते के ऊपर उन्होंने एक एलिजी लिखी है. सो let's start our interesting poem. Before the starting, why do you think the poet wrote an elegy for a mad dog? आप लोगों के दिमाग में भी विचार जरूर आया होगा कि poet ने एक पागल कुत्ते के ऊपर ये elegy क्यों लिखी. तो उसका जवाब हमें इस poem को जब हम पढ़ेंगे तब हमें मिल जाएगा. Good people all of every sort, give ear unto my song. poet कहता है कि अच्छे लोगों, सारे भली प्रकार, भले लोगों जो किसी भी तरह के हों, मतलब सारे अच्छे लोग जो जहाँ कहीं भी हैं, हर प्रकार के भले लोग, गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग, कि मेरे इस सॉन्ग पर अपने कान रखो या मेरे इस सॉन्ग को ध्यान से सुनो. एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, वंडरस मीन्स अनयूजुअल, यानी कुछ अजीब सा, और अगर आपको इसमें कुछ अजीब सा लगे या आपको इसमें कुछ छोटापन लगे, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, देन आपको ये पोएम बांध नहीं पाएगी, आपको ये पोएम इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी. इसलिए पोइट ने यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि वो इस कि ये एक कोई नॉर्मल पोएम नहीं है. इन इस्लिंगटन देयर वाज अ मैन. इस्लिंगटन, दिस इज़ द नेम ऑफ द सिटी ऑफ होम द वर्ल्ड माइट से. इस्लिंगटन नाम, इस्लिंगटन शहर में एक आदमी रहता था जिसके ऊपर ये पोयम है. उसके बारे में संसार ये कहता था, दे स्टिल अ गॉडली रेस ही रैन वैन एवर ही वेंट टू प्रे. गॉडली का मतलब होता है, मतलब एक धार्मिक व्यक्ति. वो व्यक्ति बहुत अच्छा था और एक मोरल लाइफ जीने वाला व्यक्ति था, मतलब एक नैतिक मूल्यों को मानने वाला व्यक्ति था. वेन एवर ही वेंट टू प्रे, और वो बहुत वो मतलब उसकी ये जो धार्मिकता थी, ये जो नैतिकता थी, ये तब तक थी जब तक कि वो प्रे करता था, प्रार्थना करता था. अ काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड. उस आदमी का दिल, या उस वह आदमी बहुत दयालु था और बहुत ही काइंड हार्टी था, बहुत ही जेंटल उसका हार्ट था, बहुत ही भला आदमी था. टू कम्फर्ट फ्रेंड एंड फोर्स, वो अपने दोस्तों और शत्रुओं के साथ एक साथ था, मतलब उसके दोस्तों के साथ तो वो आराम से बात करता ही था, उन्हें पूरे कंफर्ट के साथ उनके साथ रहता ही था. इसके अलावा उसके जो शत्रु थे, जो उसे पसंद नहीं करते थे, जो उसके एनिमीज थे, उनके साथ भी वो बहुत ही कंफर्ट के साथ रहता था. ही द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड, क्लैड मीन्स क्लोथ्ड, या कपड़े दे देना, टू गिव द क्लोथ. वैन ही पुट ऑन हिज क्लोथ, वह अपने कपड़ों को भी दान कर दिया करता था, मतलब जब वह कभी देखता था कि किसी के पास कपड़े नहीं हैं तो वो अपने कपड़ों को उतार कर दान देता था. एंड इन दैट टाउन, अब यहाँ तक हमने उस आदमी के बारे में पढ़ा कि उस आदमी में कितनी अच्छाइयाँ थीं,
तो हमारे सामने यही एक इमेजिनेशन आती है कि वो आदमी बहुत ही सच्चा, बहुत ही धार्मिक और बहुत ही नैतिकवान है। अब आगे पढ़ते हैं, एंड इन टाउन एंड इन दैट टाउन अ डॉग वाज फाउंड, और उसी टाउन में एक कुत्ता भी था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, और भी बहुत सारे कुत्ते थे, बोथ मोंगरेल पपी वेल्प एंड हाउंड एंड कर्स ऑफ लॉ डिग्री, जिनमें मोंगरेल मतलब होता है जिसमें बहुत सारे मिक्सचर ऑफ ब्रीड, यानी कि बहुत सारी प्रजातियों के कुत्ते होते हैं। पपी यानी कि बेबी ऑफ डॉग, एक साल से छोटा बच्चा कुत्ते का। वेल्प यंग डॉग, एक जवान कुत्ता। एंड हाउंड, एक शिकारी कुत्ता। एंड कर्स ऑफ लॉ डिग्री, मतलब एक स्ट्रीट डॉग्स जो कि बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत जैसे काट लेते हैं, उनको कर्स ऑफ लॉ डिग्री कहते हैं। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, पहले ये कुत्ता और वो आदमी बहुत अच्छे दोस्त थे। बट मैंने पिक्यू बिगेन, लेकिन उसके बाद में उनके बीच कुछ तनाव हुआ, या मतलब उनकी दोस्ती टूट गई, उनके अंदर एक बिटरनेस आ गई, उनके संबंधों में कड़वाहट आ गई। द डॉग टू गेन सम प्राइवेट एंड्स, कुत्ता टू गेन प्राइवेट एंड्स का मतलब है अपने निजी उद्देश्यों के लिए या अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, उसने वैन मैट मैड एंड बिट द मैन, वो एकदम पागल सा उसने अपने आप को शो किया और उसने उस आदमी को काट लिया। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स द वंडरिंग नेबर्स रैन एंड स्वोर द डॉग हैड लॉस्ट द विट्स टू बाइट सो गुड अ मैन, और आसपास के जितने भी पड़ोसी नेबरिंग स्ट्रीट्स थी वहाँ से सब लोग आए। एंड वंडरिंग नेबर्स रैन, और वो ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एंड स्वर द डॉग हैड लॉस्ट इट बिट्स, और उन्होंने घोषणा कर दी, स्वर मीन्स घोषणा कर दी, मतलब कि ये कुत्ता बिट्स अपना, मतलब उसने अपने पागल हो गया है और उसने अपने सोचने समझने की शक्ति को खो दिया है। टू बाइट सो गुड अ मैन, क्योंकि इसने इतने भले आदमी को काटा है। द वाउंड इट सीम्ड बोथ सोर एंड सैड टू एवरी क्रिश्चियन आई, क्रिश्चियन आई का मतलब है क्रिश्चियन फॉलोवर्स, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले सभी लोगों के लिए उस आदमी के मन में, सभी लोगों के मन में उस आदमी के प्रति दया के भाव थे, और जो घाव था जो कुत्ते के काटने के द्वारा उसको मिला था वो बहुत ही पेनफुल था और उसे देखकर बहुत ही दुखदायी था। एंड वाइल दे स्वॉर द डॉग वाज मैड, और उन लोगों ने एक तरीके से ये घोषणा कर दी कि वह कुत्ता पागल था। दे स्वॉर द मैन वुड डाई, और अब ये आदमी मर जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब एक पागल कुत्ता काट लेता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। बट सून अ वंडर केम टू लाइट, लेकिन जल्दी ही एक सरप्राइज सबके सामने आया। दैट शोड द रक्स दे लाइट, कि वे सब जो ये घोषणा कर रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, इतना हल्ला मचा रहे थे, वे सब क्या थे, रक्स दे लाइट, वे सब इमोरल थे, अनैतिक थे, और वे सब झूठ बोल रहे थे। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, क्योंकि काटने के बाद आदमी रिकवर्ड हो रहा था, जिस आदमी को काटा गया था वो ठीक हो रहा था। द डॉग इट वाज दैट डाइड, बल्कि उस कुत्ते की मौत हो गई थी, आदमी की जगह वो कुत्ता मर गया था। तो ये पोइट ने एक सवाल छोड़ा है समाज के ऊपर कि जिस कुत्ते को समाज ने पागल घोषित कर दिया था और ये बोल दिया था कि अब ये आदमी निश्चित ही मर जाएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत, वह आदमी तो रिकवर हो गया बल्कि वो कुत्ता मर गया। तो अब ये सोचने की ज़रूरत है कि किसके अंदर कमी थी, कुत्ते के अंदर या उस आदमी के अंदर। बर्थ एंड स्टेटस कैन गिव अस आउटवर्ड पॉलिश बट दे डू नॉट रिफ्लेक्ट आर ट्रू करेक्टर, हमारा जन्म जहाँ होता है वहाँ से जन्म और हमारे स्टेटस तो हमें मिल जाता है। आउटवर्ड पॉलिश, उससे क्या होता है, हम एक दिखावा सा हम करने लगते हैं। हम मान लीजिए किसी अमीर घर में पैदा होते हैं तो वहाँ से हमें स्टेटस तो मिल जाता है, लेकिन बट दे डू नॉट रिफ्लेक्ट आर ट्रू करेक्टर, लेकिन जो हमारा वास्तविक चरित्र होता है वो वहाँ से शो नहीं होता। तो यहाँ पर पॉइंट यही कहता है कि हमारा समाज ऐसा है जिसमें कहा कुछ और जाता है और कथनी लोगों की कुछ और होती है। तो आप इस पोयम को बार बार पढ़िए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोयम एंड वेरी लॉजिकली पोयम, बहुत ही सोचने के लिए मजबूर कर देती है। अभी अभी एक इंसिडेंट भी हुआ था कि एक हथनी को लोगों ने एक फ्रूट के अंदर
पटाखे भर के उसको खिला दिए थे, जिससे हथनी की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत पड़ जाती है कि हम जानवरों को दोष दे देते हैं आसानी से और अपने अंदर मानव कभी नहीं जागता। तो दिस इज यही मैसेज देती है ये पोयम। आई होप यू इन्जॉय इट, और इसको बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, प्रैक्टिस करिए इसकी। ओके, थैंक यू एंड स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।